नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है ययाति। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। किताब विष्णु सखाराम खांडेकर इनके द्वारा लिखित है, जिनको हम वी स खांडेकर के नाम से भी जानते हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का साहित्य पुरस्कार मिला है। वह मराठी लेखकों में अग्रगणी रहे हैं। ययाति यह उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। किताब मेहता पब्लिशिंग हाउस द्वारा पब्लिश हुई है और पृष्ठ संख्या लगभग 800 के ऊपर है। इसका पहला एडिशन 1959 में निकला और 38वां एडिशन 2006 में निकला है। हमें हमेशा से यह किताब पढ़ने की इच्छा थी। जब भी हम किसी दुकान जाते इस किताब को ज़रूर ढूंढते। आखिर यह किताब हमें ई बुक के तौर पर मिल ही गई। यह किताब हमें बहुत अच्छी लगी। मानव जो मृत्यु के सामने बेबस है, फिर भी वह इस धरती पर उपलब्ध सारी सुख सुविधाओं का उपयोग मरते दम तक करना चाहता है। वह मृत्यु या बुढ़ापा पास आने पर भी अपनी यह वृत्ति छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य के इसी विचार पर आधारित यह किताब है। धरती पर अगर संजीवनी विद्या थी जिससे मरे हुए इंसान को जीवित कर सकते थे, तो वह विद्या अभी कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस किताब में ही मिलेगा। हर व्यक्ति जैसे अलग अलग होता है, वैसे ही उसके विचार भी अलग होते हैं। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। इन्हीं विचारों की विविधता के कारण और अपने गुस्से पर काबू न पाने के कारण शुक्राचार्य की सालों की कड़ी तपस्या से मिली संजीवनी विद्या लुप्त हो जाती है। कैसे, यह हम आपको सारांश में बताएंगे। जैसे कि हमने बताया कि दो लोग एक ही परिस्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, वैसे ही महाभारत की इन कहानियों को अलग अलग लेखकों का देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है। लेखक ने उनके नज़रिए से इन पात्रों को और कहानी को प्रस्तुत किया है। चलिए तो देखते हैं पांडवों और कौरवों के पूर्वजों के बारे में बताती हुई इस किताब का सारांश। उम्मीद है आपको पसंद आए। सारांश, ययाति यह कौरव और पांडवों का पूर्वज है, जिसके पिता नहुष है, जिन्होंने इंद्र को हराकर पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना दरारा कायम किया। पर जीतने के बाद जैसे लोग अभिमान में आ जाते हैं, वह भी आ गया और इंद्राणी जो कि इंद्र की पत्नी है, उसे पाने की लालच में अपना सब कुछ गवा बैठा। हुआ यूं कि इंद्राणी ने शर्त रखी कि जब नहुष महाराज पूरे संसार के रत्नों से सजी हुई डोली में बैठकर ऋषियों के कंधे पर सवार होकर उस तक पहुँचेंगे, तो वह उसे स्वीकार कर लेगी। नहुष ने वैसा ही किया, पर ऋषियों की चाल धीमी थी। उसे लगा वह कब इंद्राणी के पास पहुँचेगा। गुस्से में उसने अपने सामने वाले ऋषि के सर पर लात मारी। वह अगस्त ऋषि निकले। उन्होंने नहुष को श्राप दिया कि तुम और तुम्हारी संतान कभी सुखी नहीं रहेगी। बस तब से राजा की बुद्धि जगह पर आ गई। मरते वक्त उसकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई। वह अपनी विजय मुद्रा देख नहीं पाया, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, जो उसने इंद्र विजय के बाद प्राप्त की थी। इतने बड़े प्रतापी राजा को मृत्यु के सामने विवश देखकर ययाति का मन बड़ा दुखी हुआ। मृत्यु का दुख भुलाने के लिए उसे हमेशा अलग अलग लड़कियों का सहारा लेना पड़ा। ययाति के जीवन में आने वाली लड़कियों में से पहली लड़की है अलका, जिसके बाल सुनहरे थे। वह उस दासी की लड़की थी जो बचपन में ययाति की आया थी। ययाति की माँ के बदले उसी ने उसको पूरी तरह संभाला था, क्योंकि ययाति की माँ एक रानी थी और रानी को प्रायः सौंदर्यवती रहना पड़ता था ताकि वह राजा को अपने वश में रख सके। इससे उसका राजमहल में दबदबा बना रहता था। राजपरिवारों के बच्चों को अक्सर ऐसी आया ही संभाला करती थी। जब ययाति के पिता की मृत्यु हुई तो वह सिर्फ 16 साल का था। तब तक ययाति राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। 16 साल की उम्र में उसकी मुलाकात देवगुरु बृहस्पति के बेटे कच से होती है। कच एक शांत सुस्वभावी और होशियार लड़का है जो हमेशा दुनिया में शांति चाहता है। ऐसा ही एक यज्ञ वह कर रहा था जिसमें वह प्रमुख ऋषि था। राक्षसों से यज्ञ को बचाने के लिए ययाति भाग गया। यज्ञ के समय इन दोनों में मित्रता हो जाती है। बाद में पता चलता है कि देव और दानवों का युद्ध शुरू हो चुका है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, जिससे वह मरे हुए दैत्य को पुनः जीवित कर देते हैं। इसलिए देवताओं को लगता है कि उनकी हार अब निश्चित है। इसलिए कच ने तय किया कि वह दैत्य लोग जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बनकर संजीवनी विद्या हासिल करेगा। वैसा करने में सफल भी हो जाता है। पर इस दौरान शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कच से प्यार हो जाता है। इसी प्रेम के चलते वह 3 बार कच को अपने पिताजी द्वारा जीवित करवाती है।
जब राक्षस तीसरी बार कच्छ को मारकर उसकी राख को शराब में मिला देते हैं और शुक्राचार्य को पिलाते हैं, तब राख शुक्राचार्य के हृदय तक पहुंच जाती है। इससे कच्छ को संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाती है। देवयानी फिर से अपने पिता को अनुरोध करती है कि वे कच्छ को जीवित करें। शुक्राचार्य अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, इसी के चलते वह कच्छ को फिर से जीवित करते हैं। लेकिन इस बार कच्छ शुक्राचार्य के पेट में है और पेट फाड़ कर जब कच्छ बाहर निकलेगा तो शुक्राचार्य मारे जाएंगे, ऐसा ही होता है। इस बार कच्छ संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित करता है। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि संजीवनी विद्या कच्छ के पास है और शुक्राचार्य अपनी विद्या खो चुके हैं। हमने एपिक चैनल पर एक कार्यक्रम देखा था, उसमें जासूस लोगों की कहानी दिखा देते। उसके अनुसार कहते हैं कि कच्छ पृथ्वी का पहला जासूस था जो राक्षसों के राज्य में जासूसी करने गया था। कच्छ मृत संजीवनी विद्या पाने जिस जगह जाता है वह जगह अभी वर्तमान में कहाँ है, यह हम आपको जरूर बताएंगे अगर आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। इस बात का जिक्र आचार्य चतुर्सेन द्वारा लिखित वयम रक्षा म इस किताब में मिलता है। उस किताब का वह वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। जब कच्छ जाने के लिए निकलता है तब देवयानी अपने प्रेम का वास्ता देकर उसे रोकना चाहती है। कच्छ उसके प्रेम को अस्वीकार कर देता है, यह कहकर कि वह अब उसका प्रेमी नहीं बल्कि भाई है क्योंकि उसने शुक्राचार्य के पेट से जन्म लिया है। देवयानी इन सारे मिथकों में नहीं पड़ना चाहती। यही वह प्रसंग है जहां आपको दो लोगों के विचारों में भिन्नता देखने को मिलेगी। देवयानी गुस्से में आकर कच्छ को श्राप देती है कि उसकी यह विद्या सफल नहीं होगी। कच्छ भी देवयानी को श्राप देता है कि उसकी शादी ऋषि पुत्र के साथ नहीं होगी क्योंकि वह एक ऋषि कन्या है। तब के लोग अब के जैसे ओपन माइंडेड नहीं थे, वर्णाश्रम व्यवस्था बड़ी कड़ी थी, अपने ही वर्ण में विवाह होना मान सम्मान की बात थी। किताब का एक प्रसंग आपको बता रहे हैं जो कहानी में सम्मिलित हर एक पात्रों की जिंदगी बदल देता है। वह इस तरह है कि शुक्राचार्य का आश्रम राक्षस राज वृषपर्वा के राजमहल में ही है, इसलिए राजकुमारी शर्मिष्ठा जो कि राक्षस राज वृषपर्वा की बेटी है और देवयानी दोनों साथ साथ पली बड़ी है और दोनों का 36 का आंकड़ा है। जब शर्मिष्ठा और देवयानी जंगल में जल क्रीड़ा करने जाती है तो शर्मिष्ठा गलती से देवयानी के कपड़े पहन लेती है जो उसे कच्छ ने दिए थे। इस बात पर दोनों का जमकर झगड़ा होता है। देवयानी गुस्से में जंगल के अंदर दौड़ती हुई जाती है, शर्मिष्ठा उसके पीछे दौड़ती है। देवयानी कुएं पर जाकर खड़ी होती है, शर्मिष्ठा उसे बचाना चाहती है लेकिन देवयानी कुएं में गिर जाती है। रात तक उसे कुएं में रहती है, भाग्य के चलते ययाति वहां आता है। जब वह देवयानी को कुएं से बाहर निकालता है तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। कुएं से बाहर निकालने के लिए ययाति को देवयानी का हाथ पकड़ना पड़ता है, जिससे अब ययाति को देवयानी संग शादी करनी पड़ेगी। देवयानी उससे शादी के लिए पूछती है तो वह उसे हाँ कर देता है। तब तक वहां पर शुक्राचार्य और वृषपर्वा आ जाते हैं। देवयानी उन्हें सब कुछ बता देती है। शुक्राचार्य गुस्सा हो जाते हैं। वृषपर्वा को लगता है कि बिना शुक्राचार्य के वह लोग अनाथ हो जाएंगे, इसलिए वह उनके पैर पकड़कर रोकता है और साथ में यह भी कहता है कि वह शर्मिष्ठा को जो देवयानी कहे वह सजा देगा। देवयानी शर्मिष्ठा को जीवन भर याद रखने वाली सजा देना चाहती है, इसलिए वह उसे जीवन भर के लिए अपनी दासी बना लेती है और अपने साथ हस्तिनापुर लेकर जाती है। शुक्राचार्य नई सिद्धि प्राप्ति के लिए वन चले जाते हैं। ययाति हस्तिनापुर का राजा है, देवयानी हस्तिनापुर की रानी है। जब शर्मिष्ठा को देवयानी के इस कुविचार के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है। आज तक राजकुमारी होने के कारण उसे दासी वाले कामों की आदत नहीं है। देवयानी उसे शादी की इजाजत देगी तो उसकी शादी होगी, नहीं तो उसको अपने सारे सपने भुलाने होंगे। एक लड़की के लिए यह सब करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके सारे सपने अब स्वाहा होने वाले थे। तो दूसरी तरफ अगर शुक्राचार्य उसके पिता के राज्य को छोड़ के जाते हैं तो उनका राज्य तबाह हो जाएगा। इस पर अपने सारे सपने भुलाकर अपने पिता के राज्य को बचाने का निर्णय लेती है। शर्मिष्ठा हस्तिनापुर चली जाती है। ययाति के माँ को शर्मिष्ठा ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वह उसी के जैसी क्षत्रिय है और देवयानी एक ऋषि कन्या है। ययाति को एक बड़ा भाई है जिसका नाम यति है। बचपन में वह उसके पिता को मिले श्राप के बारे में सुनता है और सुख की तलाश में जंगल की ओर भाग जाता है। यति अपना बिस्तर कांटों की लताओं का बनाता है,
खाने के लिए कड़वे फल इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे लगता है कि मीठी चीजें और स्त्री इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को श्राप मिला था। इसलिए वह अभी यही सिद्धि पाने के चक्कर में है कि स्त्री को पुरुष में कैसे बदला जाए। इसी कारण वह पागल भी हो जाता है। इस स्थिति में वह कच के साथ ययाति और देवयानी के सामने दरबार में आता है। वह वहां से भी भाग जाता है। देवयानी एक घमंडी स्वार्थी पत्नी के रूप में सामने आती है, जो है तो अप्सरा जैसी सुंदर पर मन से उतनी ही काली। अपने पति से कभी मन से जुड़ी नहीं पाती, इसलिए ययाति और शर्मिष्ठा गंधर्व विवाह कर लेते हैं। देवयानी को भी एक पुत्र है और शर्मिष्ठा को भी एक पुरु नाम का बेटा है। जब देवयानी को यह पता चलता है तो वह शर्मिष्ठा और उसके बेटे को तहखाने में बंद कर देती है। यह वही तहखाना है जहां ययाति की मां ने ययाति की बचपन की सहेली अलका को जहर देकर मारा था। इसकी भी एक अलग कहानी है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। जब ययाति को यह पता चलता है तो वह डर जाता है। वह उनको वहां से बाहर निकालता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है माधव। माधव शर्मिष्ठा और पुरु को रथ में बिठाकर नगर के बाहर जंगल में छोड़ देता है। तब भयंकर बारिश होती रहती है, बिजलियां कड़कते रहती है। माधव बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाता है। उसे वात रोग झगड़ लेता है। माधव की मृत्यु हो जाती है। माधव की होने वाली पत्नी माधवी भी पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है। उसकी मृत्यु का कारण ययाति है। माधवी, जिसने कभी माधव के साथ मिलकर सपने देखे थे कि शादी के बाद जब महाराज उसके बड़े देवर बनकर उनके घर खाना खाने आएंगे तो वह खाने में क्या क्या बनाएगी। और तारका को तो ययाति ने तब से देखा रहता है जब से वह बोबड़े बोल बुला करती थी। इस तारका की मृत्यु का जिम्मेदार भी ययाति ही है। यह सब पढ़कर हमें ययाति एक खलनायक जैसा ही प्रतीत हुआ। यह सब मंदार और मुकुलिका कर रहे हैं। मंदार वही आदमी है जो अलका की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। अभी वह ढोंगी साधु बनकर आश्रम चलाता है। मुकुलिका ययाति की ही दासी है जो 20 साल बाद वापस आई है। ययाति की मां ने उसे देश निकाला दिया था। मंदार और मुकुलिका मिलके लोगों को फंसाते हैं। ययाति देवयानी से दूर होकर मंदार और मुकुलिका के भरोसे विलासपूर्ण जीवन जीता रहता है। इतने सालों के बाद शुक्राचार्य भगवान शिव से वरदान पाकर अपनी बेटी से मिलने हस्तिनापुर आते हैं। ययाति को वहां न पाकर उसके बारे में बार बार पूछते हैं तो देवयानी उनको सब कुछ बता देती है। शुक्राचार्य गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वह उससे मिलने ययाति के महल में जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ययाति के पैर डर के मारे थर थर काँपने लगते हैं, क्योंकि वह अपने श्राप देने के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा ही होता है। शुक्राचार्य ययाति को तुरंत बुढ़ा होने का श्राप देकर वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। जब तक शुक्राचार्य तपस्या करते हैं तब तक कच्छ भी तपस्या करता है शुक्राचार्य की गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि कच्छ को पता है कि शुक्राचार्य तपस्या कर रहे हैं तो कोई नई सिद्धि पाकर ही रहेंगे। वह विद्या कोई भी हो सकती है, इसे संसार में न जाने के उत्पात मच जाएगा। कच्छ एक विवेकशील व्यक्ति है, इसलिए शुक्राचार्य की बिगाड़ी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए वह उससे भी कड़ी तपस्या करते हैं। अब आपको किताब पढ़कर यह जानना है कि क्या कच्छ अपने मित्र ययाति की बिगड़ी हुई सारी परिस्थितियों को ठीक करता है कि देवयानी से रुष्ट हो वहां से चले जाता है। वक्त बीतते जाता है और ययाति और देवयानी बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। देवयानी का बेटा बड़ा हो जाता है तो क्या शर्मिष्ठा का बेटा भी बड़ा हो गया होगा, या फिर वह दोनों माँ बेटे हालातों का शिकार हुए होंगे। पढ़कर जरूर जानिए ययाति का जीवन प्रवाह। पुरु वही है जिससे हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ा, लेकिन यह पुरु है कौन? और देवयानी पुत्र यदु से यदुवंश शुरू हुआ, जहां आगे जाकर देवकी नंदन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इसमें बहुत सारे पात्रों का समावेश है और हर एक की अलग कहानी है। सबकी कहानी जानने के लिए किताब जरूर पढ़ें, कहानी आपको कहीं जाने नहीं देगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू हैप्पी रीडिंग।